दोस्तों, कंप्यूटर के आविष्कार से लेकर अब तक दुनिया काफी बदल चुकी है और लोगों के काम करने का तरीका भी। अब दुनिया में युद्ध हथियारों के बल पर नहीं बल्कि तकनीक के दम पर लड़े जाते हैं। और दोस्तों, आज के समय में टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के इस्तेमाल की वजह से बहुत सारे कठिन काम भी संभव हो गए हैं, जैसे कि किसी भी चीज़ का इन्फॉर्मेशन एक्सेस करना, ऑनलाइन शॉपिंग करना और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की तरह ही बहुत सारे। और ऐसे में दोस्तों, अगर कोई इसी तकनीक का गलत इस्तेमाल करके आपके बैंक डिटेल, क्रेडिट कार्ड या फिर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को हैक कर करोड़ों की चोरी कर ले तो क्या होगा? और क्या होगा यदि आपकी कोई पर्सनल डिटेल चुरा कर उसका गलत इस्तेमाल करे? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में भी हम दुनिया के ऐसे ही टॉप 10 हैकर्स के बारे में जानेंगे जिन्होंने कुछ इसी तरह के काम से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। तो दोस्तों, आज के इस लिस्ट में 10वें नंबर पर हैं एंड्रियन लामू, जिन्हें की होमलेस हैकर के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल एंड्रियन शुरू से ही बहुत ही गरीब थे, जिसकी वजह से वे पब्लिक इंटरनेट कैफे का इस्तेमाल करते हुए हैकिंग को सीखा करते थे। और फिर हैकिंग सीखने के बाद से उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज के सिक्योरिटी सिस्टम्स तक को ब्रेक कर दिया था। और दोस्तों, एंड्रियन लामो ने कई सारी कंपनियों के हजारों प्राइवेट डेटाबेस को लोगों के सामने पब्लिश कर दिया। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसी कंपनियों का डाटा चुराना बहुत ही कठिन काम था, लेकिन एंड्रियन लामो ने पब्लिक इंटरनेट कैफे से ही कई सारी कंपनियों के सिक्योरिटी सिस्टम्स तक को ब्रेक कर दिया। और फिर इस कारनामे के बाद उनके पीछे FBI लग गई और फिर पकड़े जाने पर उन्हें 6 महीने का जेल हुआ, साथ ही उनके ऊपर $65,000 का भी जुर्माना ठोका गया। हालांकि इसके बाद से एंड्रियन लामो सुधर गए और फिर अपनी लाजवाब हैकिंग टैलेंट को उन्होंने अच्छे कामों में लगाना शुरू कर दिया। साथ ही वह पेशे से एक पत्रकार भी बन गए। और दोस्तों, कुछ इसी तरह से टॉप 10 हैकर्स की लिस्ट में 9वें नंबर पर हैं व्लादिमीर लेविन। दरअसल व्लादिमीर लेविन एक रशियन हैकर हैं जिन्हें कि 1994 में सिटी बैंक से $10.7 मिलियन की चोरी के लिए जाना जाता है। दरअसल लेविन ने 1994 में सिटी बैंक के खातों को पूरी तरह से अपने अंडर में ले लिया था और फिर $10.7 मिलियन को उन्होंने फिनलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स, नीदरलैंड, जर्मनी और इजराइल जैसे देशों के अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिया। हालांकि अमेरिका में जब कुछ पैसों को उनके दोस्त विड्रॉ कर रहे थे तब उन्हें पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। और फिर आगे चलकर 1997 में व्लादिमीर लेविन को भी गिरफ्तार कर लिया गया। और फिर पकड़े जाने के बाद से लेविन को 3 साल की सजा हुई और $2,40,000 का भी जुर्माना लगाया गया। और दोस्तों, आज के हैकर्स की लिस्ट में 8वें नंबर पर जो है उनका नाम है अल्बर्ट गोंजालेस। दरअसल गोंजालेस के पास अमेरिका की आधी आबादी के क्रेडिट कार्ड डिटेल्स थी और दोस्तों 17 करोड़ लोगों के क्रेडिट कार्ड डिटेल्स को बेचकर अल्बर्ट गोंजालेस ने करोड़ों रुपए कमाए। इसके अलावा गोंजालेस ने शैडो क्यूज नाम का एक ग्रुप भी बना रखा था, जिसके जरिए वह फर्जी पासपोर्ट, हेल्थ इंश्योरेंस और जन्म प्रमाण पत्र बेचकर खूब कमाई करता था। हालांकि आगे चलकर अल्बर्ट गोंजालेस को पकड़े जाने के बाद उसे 17 करोड़ क्रेडिट कार्ड्स के डिटेल्स को चोरी करने के आरोप में 25 मार्च 2010 को 20 साल की सजा सुनाई गई। और दोस्तों, कुछ इसी तरह से गैरी मैकिनॉन आज की हमारी लिस्ट में 7वें नंबर पर हैं। दरअसल गैरी मैकिनॉन इंटरनेट की दुनिया में सोलो के नाम से भी जाना जाता था और उसे दुनिया के सबसे बड़े मिलिट्री ऑपरेशन के सिस्टम को हैक करने का रुतबा हासिल है। साल 2001 और 2002 के बीच उसने 13 महीने काम करके अमेरिकी सेना और नासा के 97 कंप्यूटर्स पर पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया था। और फिर उसने हैक किए हुए कंप्यूटर्स पर मैसेज भेज दिया जिस पर लिखा हुआ था योर सिक्योरिटी इज ट्रैप। साथ ही अमेरिकन ऑफिसर्स के मुताबिक उसने सैकड़ों कंप्यूटर्स को हैक करके बहुत सारी सेंसिटिव फाइल्स को भी डिलीट कर दिया, जिससे कि अमेरिकी गवर्नमेंट को $70 लाख का नुकसान हुआ। और फिर यह हैक करने के बाद से जब उसे पकड़ा गया तब से ही वह अपने खिलाफ मुकदमा लड़ रहा है। और दोस्तों, लिस्ट में अगर 6ठे नंबर की बात करें तो यहाँ जगह बनाई है केविन पॉल्सन ने। दरअसल केविन पॉल्सन ने NBC के अनसॉल्व मिस्ट्री नाम के एक शो में पार्टिसिपेट किया और एक पोर्श कार जीतने के लिए उसने 15 मिनट तक सभी फोन लाइंस को हैक कर लिया। और फिर जब वह फोन कॉल्स को हैक करके वह कार जीत गया तब FBI की नज़र उसके ऊपर पड़ी। हालांकि FBI इन्वेस्टिगेशन कर ही रही थी तभी केविन पॉल्सन ने उनका भी सिस्टम हैक कर लिया। और दोस्तों, इतना ही नहीं, केविन पॉल्सन ने एक सुपरमार्केट के भी पूरे सिस्टम को हैक कर लिया था। हालांकि पकड़े जाने के बाद उसे 51 महीने की सजा सुनाई गई और फिर सजा काटने के बाद से केविन पॉल्सन ने पत्रकारिता की राह पकड़ ली।
और मौजूदा समय में वह वायर्ड न्यूज के सीनियर एडिटर के तौर पर काम करते हैं। इसके अलावा आगे चलकर केविन पॉलसन ने अमेरिकी पुलिस की भी मदद की और सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट MySpace पर एक्टिव 744 अपराधियों की पहचान में भी अहम भूमिका निभाई। और दोस्तों इसी तरह से लिस्ट में आगे बढ़े तो पांचवें नंबर पर है द सीरियन इलेक्ट्रॉनिक आर्मी। दरअसल सीरियन इलेक्ट्रॉनिक आर्मी एक हैकर ग्रुप है जो कि पहली बार 2011 में सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के समर्थन के लिए शुरू की गई थी और फिर फिशिंग और डॉस अटैक का उपयोग करते हुए इसने कई सारे आतंकी संगठनों, न्यूज आउटलेट, विपक्षी पार्टी और ह्यूमन राइट ग्रुप को टारगेट किया। इसके अलावा US डिफेंस के सिस्टम को भी इसने हैक कर लिया था। और दोस्तों 2011 तक द सीरियन इलेक्ट्रॉनिक आर्मी ऐसा पहला अरब देश था जिसके पास ऐसी इंटरनेट आर्मी थी जो कि अपने दुश्मनों पर साइबर हमला करने के लिए खुलेआम अनुमति देता था। और दोस्तों आज की हमारी हैकर्स की लिस्ट में चौथे नंबर पर है मैक्स बटलर। दरअसल मैक्स बटलर पहले एक कंप्यूटर एडवाइजर थे जो कि अब दुनिया के सबसे बड़े हैकर्स में से एक हैं। बटलर ने डिजिटली 2 मिलियन क्रेडिट कार्ड्स नंबर चुराए और धोखाधड़ी से $46 मिलियन से भी ज़्यादा की कमाई की। और दोस्तों उन पर आरोप लगा कि वह ऑनलाइन फोरम्स में फाइनेंशियल डेटा को बेचते और खरीदते हैं और इसी वजह से उन्हें 2011 में 13 साल की सजा सुनाई गई थी जो कि अमेरिका में हैकिंग के आरोप में दी गई उस समय की सबसे लंबी सजा थी। और दोस्तों कुछ इसी तरह से हैकर्स के लिस्ट में तीसरे नंबर पर अपनी जगह बनाई है एस्ट्रा ने। दरअसल यह हैकर सबसे अलग है क्योंकि इसके नाम के अलावा आम लोग इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। वैसे इसने 2008 में फ्रेंच एयरक्राफ्ट कंपनी डसॉल्ट ग्रुप के कंप्यूटर्स को हैक किया था और इस हैकिंग से वह 5 साल से भी ज्यादा समय तक वेपन टेक्नोलॉजी के डेटा को चोरी करता रहा। और फिर डेली मेल के अनुसार बताया जाता है कि जब 2008 में अधिकारियों द्वारा एस्ट्रा को गिरफ्तार किया गया था तब उसकी पहचान एक 58 साल के गणितज्ञ के तौर पर हुई। हालांकि इसकी वास्तविक पहचान कभी भी रिवील नहीं की गई। और दोस्तों कुछ इसी तरह से लिस्ट में दूसरे नंबर पर है हैकर्स का जाना माना ग्रुप एनोनिमस। दरअसल यह ग्रुप इंटरनेशनल ऑनलाइन हैकिंग ग्रुप है जो कि सोशल इवेंट को सपोर्ट करने के लिए शुरू हुआ था और यहाँ के हैकर्स मिलकर बड़ी बड़ी सोशल साइट के सर्वर को डाउन करने की भी क्षमता रखते हैं। और दोस्तों इसकी टैगलाइन बहुत ही ज्यादा फेमस है जिसमें कहा जाता है वी आर लिजन, वी डू नॉट फॉरगिव, वी डू नॉट फॉरगेट, एक्सपेक्ट अस। हालांकि दोस्तों यह हैकर ग्रुप ज्यादातर लोगों के हित में काम करती है और वे लोगों के साथ सच्चाई के लिए सरकार के अगेंस्ट भी खड़ी हो जाती है। इसके अलावा इसने कई सारे आतंकी संगठन के नाक में भी दम कर रखा है। और दोस्तों आज की हमारी लिस्ट में सबसे पहले यानी कि नंबर 1 पर है फादर ऑफ सोशल इंजीनियरिंग के नाम से पहचाने जाने वाले केविन मिटनिक। दोस्तों केविन मिटनिक के कंप्यूटर हैकर बनने की कहानी बेहद ही दिलचस्प है। उन्हें अमेरिका के इतिहास का मोस्ट वांटेड साइबर क्रिमिनल बताया गया है और उनके लाइफ के ऊपर द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ हैकिंग नाम की हॉलीवुड फिल्म भी बनाई जा चुकी है। दरअसल इन्हें हैकिंग के लिए 3 साल की जेल हुई और फिर 3 साल इन्हें निगरानी में रखा गया। लेकिन फिर जेल से बाहर आने के बाद केविन ने अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी अलर्ट प्रोग्राम को हैक कर लिया और इसीलिए उन्हें 2.5 साल के लिए फिर से जेल में डाल दिया गया। हालांकि इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे ऐसे हैकिंग किए जो कि लोगों की सोच से परे थे, लेकिन कई साल जेल में बिताने के बाद उन्होंने सच्चाई का रास्ता अपना लिया और इसीलिए बाद में वह एक कंसल्टेंट बन गए। साथ ही बड़ी बड़ी कंपनियों को उन्होंने सिक्योरिटी टिप्स देने भी शुरू कर दिए और अब केविन मिटनिक अपना खुद का एक कंपनी चला रहे हैं। तो दोस्तों यह थी टॉप 10 हैकर्स की पूरी लिस्ट जिसमें कुछ का उद्देश्य प्रसिद्धि पाना था जबकि कुछ का चीट करके पैसे कमाना। बाकी आपका इन हैकर्स के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए कृपया लाइव हिंदी को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।